गर्मियां आ गई हैं और उनके साथ आ गया है टाइम रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक्स बनाने का। और आज मैं एक ऐसी मॉकटेल की रेसिपी लेकर आया हूं जो सिर्फ 30 रुपीस में बनकर तैयार हो जाएगी, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी बनती है। मेरा नाम है शेफ आदित्य वाथम, लेट्स मेक दिस कच्चा मैंगो मॉकटेल। सबसे पहले एक ग्राइंडर जार में मैंने 18 पीसेस मैंगो व्हाइट के डाल लिए हैं, बाकी के 4 पीसेस मैंने गार्निशिंग के लिए बचा के रख लिए। अब मैं इस जार में 2.5 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रहा हूँ। इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है एक फाइन पाउडर में। अब एक पैन में 150 ml वाटर प्लस जो मैंगो व्हाइट हमने ग्राइंड करी थी उसके पाउडर को मिक्स करना है। फिर इसमें 1/2 tablespoon लेमन ऐड करना है। थोड़ी देर लो हीट पर सिमर होने देना, फिर इस सिरप को ठंडा होने के लिए रख देना। हमारा कच्चा मैंगो सिरप रेडी है, अब मॉकटेल बनाते हैं। एक ग्लास में कच्चा मैंगो सिरप डाल लेना है। कलर तो अभी से ही बढ़िया लगने लगा। अब इस मिक्स में थोड़े बर्फ ऐड कर देंगे। एक पतला कटा हुआ लेमन स्लाइस जिससे बहुत खूबसूरती आएगी। और अब मैं डाल रहा हूँ स्प्राइट, आप नॉर्मल सोडा भी यूज कर सकते हैं, बट इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, एक बार इससे ट्राई करना। तैयार है हमारी रिफ्रेशिंग टेस्टी मॉकटेल सिर्फ 30 रुपीज में। इसके टेस्ट से आप बिल्कुल ही अमेज्ड रह जाओगे। और यार, आप सब्सक्राइब बटन पर लेमन स्लाइस लगाओ या क्रश्ड कैंडी गिराओ, पर सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना ऐसे ही और टेस्टी रेसिपीज के लिए।